अस्सलाम वालेकुम गाइस, M79 लॉन्चर था अपने पास तो एक ही शॉट मारा जिससे एनिमी के साथ खुद ही नॉक हो गए। बट जब आपके पास अल्ट्रा प्रो जैसा इंसान हो तो भाई देखो बाइक लेके उन्होंने आके मुझे रिवाइव कराया है। बट इस गेम का ये वाला मूवमेंट तो भैया कुछ नहीं है, जो आगे वाला मूवमेंट आने वाला है वो जरा चेक करो। आज का वीडियो किसी भी सूरत में मिस नहीं करना क्योंकि क्या ही गेम गई है और इस गेम के अंदर जो हुआ है वो भाई देखोगे तो मजा आने वाला है। अच्छा, उसका किल तो कंफर्म हो गया था तो दूसरा किल भी हम लोगों को मिल गया था, लेकिन यहाँ पे चेक करो भाई एक बंदे ने अपनी सुपारी ली है। तो चलो भाई चल के देखते हैं ऐसा कौन सा प्लेयर पैदा हो गया जिसने अपनी सुपारी ली है। अच्छा, वन टैब और ये चेक करो मूवमेंट है भैया, सामने वाला प्लेयर टीम अप कर रहा है। इसने जैसे आई थिंक सुपारी ली है तो इसको नेम शो हो गया होगा, तो इस बंदे ने भाई टीम अप कर लिया आते साथ ही। दूसरी बात यह कि आप लोगों को गने शो नहीं हो रही होगी हाथ में, ये जब रिप्ले से आप रिकॉर्ड करते हो तो ये ऐसा होता है, कभी कभी लोड होने में टाइम लग जाता है। बंदों की ड्रेसिंग वगैरह डाउनलोड है लेकिन रिप्ले में ना जब लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो उस टाइम शो नहीं होता। इन बंदों को अगर कोई भी आप में से जानता है तो नीचे लाजमी से मैंशन कर दीजिएगा। इन भाइयों के लिए फुल रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार और दो लाइनें पोइट्री के मैंने लिखी है भैया इनके लिए, तो सुन लो, जिसको अच्छी लगे एंड पे भाई बोल देना है वाह वाह। जब नाम देखा उन्होंने खेल के मैदान में, दोस्ती का हाथ बढ़ाया दिल की पहचान में, फूलों से खुशबू और समा भरी मुस्कान, ऐसे खिलाड़ियों को दिल से सलाम। बाकी यार इन भाइयों के लिए फुल रिस्पेक्ट एंड प्यार और बहुत सारा लव। और आप लोगों को अगर मजा आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। जिनको मजा नहीं आया भाई जरो अपने गर्लफ्रेंड से बातें करो, वो वाले मजे मैं यहाँ पे नहीं आप लोगों को दे सकता, सॉरी। बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो फाइनली भैया जी लोगों की जो एनिमीज की ड्रेसिंग है वो भी आ गई है और अपने गन्स की जो स्किन है वो भी आ गई, तो सामने वाले बंदे नॉक हैं और अपने साथ जिन्होंने टीम अप करा हुआ वो अपने साथ ही हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रा प्रो को पीछे की साइड से एक बंदे ने मारा है। ओए कितना खतरनाक डैमेज दे रहे हैं भाई ये लोग, क्या भाई ये ऐसे प्लेयर्स को देख के लगता है हाँ भाई ये बंदे गुंडा बन सकते हैं, इनमें सलाहियत है गुंडा बनने वाली। और चेक करो भाई कितना ज्यादा डैमेज दे रहे हैं। अगर यहाँ पे सुपर मेडिकेट थोड़ी सी भी कम होती अपना काम यहाँ पे इन लोगों ने तमाम कर देना था। किसी भी सूरत में भुइया मिस नहीं कर सकते थे क्योंकि भाई फैंस मिले हैं तो उनके साथ या तो भुइया उनको देंगे या फिर करेंगे। ओके, ब्लैक सूट को अच्छा डैमेज, आए किलर एक्स उस्ताद यहाँ पे नॉक है तो इनका किल लेते हैं। गाइस यहाँ पे अपने तीन किल डाउन हो चुके हैं, अल्ट्रा प्रो यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। अभी भी बंदों की तादाद 9 से ज्यादा रह गई है। और यहाँ पे चेक करो जो बंदे टीम अप कर रहे थे उनको लगा था शायद हम लोग मर गए हैं तो वापस चेक करने के लिए आए थे। लवा जी ये व्हाइट टी शर्ट है भाई, इनकी ड्रेसिंग शो हो रही होगी अब क्योंकि पहले भाई लोड होने में। अबे यार बंदे क्या डैमेज दे रहे हैं, सिर्फ 4 की वजह से हम लोग बचे हुए हैं वरना हमारा कोई चांस नहीं था यहाँ पे बचे रहने का। इसलिए बोलता हूँ भैया सबसे पहले अच्छे से लूट किया करो, 3-4 का वेस्ट जब आपके पास हो तो बहुत कवर मिलता है। बाकी यहाँ पे चेक करो भाई एम जो है ना इनके साथ कनेक्ट हो रहा था और यहाँ पे एक मोस्टर ट्रक में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डर गेम है Mag 7 और मोस्टर ट्रक वालों से लगता है, बहुत गंदा मारते हैं। Mag 7 वाले भाई ग्लूअल के अंदर घुस जाते हैं और ये जो मोस्टर ट्रक वाले एक ही लगाते हैं और बंदा मैप के दूसरे कॉर्नर में जाके गिरता है, HP बचती ही नहीं है। इन लोगों ने लिटरली जलील किया हुआ है गेम के अंदर, पता नहीं ग्रीना इनको कब बैन करे। तो यहाँ पे गाइस एक बंदा था, बाद में मुझे रियलाइज हुआ या शायद जिसने टीम अप करा हुआ था वो है, नहीं ये वो और है। तो इसका किल गाइस हम लोगों ने उठाया है, जिसने टीम अप करा हुआ था नॉक उसने करा था, लेकिन हम लोगों ने डैमेज तगड़े वाला दिया था। अभी भी 6 बंदे अलाए हुए, 6 में से एक तो वो बच्चा हुआ जिसने टीम अप करा हुआ था और इसका दूसरा टीममेट जिसने टीम अप करा हुआ था वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो हम लोग 2 रहते हैं, या तो भुइया मैंने करना था या इनको देना था, तो ये ज्यादा ट्राई करा। ओए इसको पता ही नहीं है भाई GM इस लॉबी के अंदर घूम रहे हैं अभी तक लास्ट जोन में और ये आराम से सामने वाले बंदे का वेट कर रही है जिसके साथ हम लोगों ने टीम अप करा है। उसको तो नहीं मरने देना था लास्ट तक भाई। अभी चेक करो यहाँ पे टोटल एक बंदा रह गया और अपने अलावा यानी कि अपने साथ एक तो वो है जिसने टीम अप करा हुआ है, उसके साथ एक बंदा रहता है। तो या तो हम लोग भुइया लेंगे या फिर इसको देंगे, उस मोमेंट के लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा। ओए यहाँ पे पता नहीं कैसे बच गया ग्रूजा एक्स और उसके इतने कम हेडशॉट, ऑलमोस्ट 200 से ऊपर लग रहा होता है। इस बंदे के बाद बहुत गंदे वाली स्किल है थी भाई।
बहुत गंदा डैमेज दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे जब तक गुरुजो एक्स की एमो खत्म नहीं हुई ना, हम लोगों ने भाई इसको डैमेज दिया है। जब एमो खत्म हुई है तब जाके रश कर रहा है, और इसको लग रहा था भाई कि जिसने टीम अप करा हुआ है कि सामने कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, तो इस वजह से इसने अन्ना रश करा है, और इस अन्य रश के चक्कर में मर गया बेचारा। ये लोग गया, इस भाई के लिए पूरा प्यार रिस्पेक्ट, मैं भुया करना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने भाई मजबूर कर दिया भुया करने पे, क्योंकि इसने उसको मारा जिसने अपने साथ टीम अप किया था। अगेन बंदा भाई बहुत तगड़ा था भाई, इसके मूवमेंट देख रहे हो कितना ज्यादा, हमारे पास ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा एचपी हो गई थी, और इसने सारी वो वेस्ट कराई है, रेस्ट तक पाड़ दी। बट भाई भुया नहीं छोड़ने वाले, अब तो 200 एचपी है, लेकिन चेक करो भाई MP40 अपने पास हो फिर भुया कहीं नहीं जाता। ये भाई सस्ते नशे, अच्छा शॉट गया यहाँ पे स्किल। ये काफी टाइम तक बंदा रीजन में रहा है, इस सीजन से पहले मैं बताता जाऊँ तो फुली रीजन की लॉबी थी, इसमें भी आपके भैया ने भुया डन कर लिया है। तो लाइक रिपोस्ट कर देना है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो।